हमारे साथ है नेशनल डेस्क से रोमिंग रिपोर्टर सर, नमस्कार। नमस्कार। तो टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों को का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस समय हमसे रूबरू हो रहे हैं। हम लोग एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट के लिए आए जुड़े हैं, क्योंकि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके तहत बोकारो स्टील प्लांट आता है। तकरीबन हर जहां भी डेवलपमेंट का काम हुआ है वहां सेल है। थोड़ा सा मैं आपको और दर्शकों को बता दूं, या दो दर्शक जानते नहीं होंगे सेल के बारे में, कि ये सेल हुआ कैसे, सेल बना कैसे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और वो है क्या। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्या। देखिए, आजादी के बाद हुआ कि उद्योगीकरण करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज करना है। 19 जनवरी 1954 को हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई, इसका गठन किया गया, और यह हिंदुस्तान लिमिटेड को राउरकेला उड़ीसा में एक स्टील कारखाना जो था उसके प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट के लिए बनाया गया। ये मैं बात कर रहा हूं, आजादी हमें 1947 को मिली, उसके बाद 50 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और ये 54 यानी 4 साल के बाद। तो हम लोग वहां उस दौर में हैं, और उस दौर में हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना होती है। उसके बाद विलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में लोहे और इसके के लिए इस्पात मंत्र, वो इस्पात मंत्रालय ने वहां पर लोहे मुहैया करवाया था। तो ये चलता रहा, और भी जगह भारत में स्टील फैक्ट्री का निर्माण हुआ। लेकिन जो अब हम लोग बोकारो पे आ जाएं, कि बोकारो के दर्शकों के लिए, जो बोकारो वासी हैं, जो अभी बोकारो में होंगे या फिर कहीं बोकारो से दूसरे जगह बोकारो से जुड़े हुए लोग हैं, कि जनवरी 1964 को बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई गई 1964 में जनवरी में, और इस्पात और खान मंत्रालय ने उद्योग के प्रबंधन के लिए एक नया मॉडल तैयार किया। इसके बाद 2 दिसंबर 1972 को ये जो पॉलिसी थी उसे संसद में पेश किया गया, और उसके आधार पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 24 जनवरी 1973 को गठन किया गया। 24 जनवरी 1973, और कल 24 जनवरी 2023 है, यानी 50 साल सेल के हो। तो ये बहुत बड़ा दिन है सभी सेलवासियों के लिए, सेल से जुड़े लोगों के लिए, और जो स्टील प्लांट जहां जहां है, सेल के स्टील प्लांट है, उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है। इसीलिए बोकारो स्टील ने यहां तक का काफी अच्छा बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। और सेल के अंतर्गत 10 बड़ी और भी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टील प्लांट है, दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, सेलम है। तो ये है सेल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर, जो दर्शकों को जाननी चाहिए, बोकारो वासियों को जाननी चाहिए, उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो 50 साल पूरे हो गए सेल के और बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, नमस्कार अपने दर्शकों को, सेल की 50 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और नमस्कार, फिर मिलेंगे। तृप्ति कैरियर कंसल्टेंसी बोकारो में पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट को परामर्श देते आ रही है। उच्च शिक्षा हो या प्रोफेशन कोर्स की बात, बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी के 91 प्लॉट में स्थित है तृप्ति कैरियर कंसल्टेंसी। AICTE, PCI, NCTE, BCI द्वारा अप्रूव है। देश एवं विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के यूनिवर्सिटी में तृप्ति कैरियर कंसल्टेंसी के मदद से डायरेक्ट एडमिशन लेकर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।